नमस्कार दोस्तों, दो चक्का स्कूटी ड्राइविंग में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर मैं आया हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, और आज का जो टॉपिक होगा आप लोगों को थंबनेल पे भी जैसा कि दिख गया होगा कि रोड हम लोग क्रॉस करते वक्त किन किन चीज़ों का गलतियाँ करते हैं, किस किस टाइप की गलतियाँ हम लोग करते हैं, और कैसे हम लोग नर्वस होकर रोड क्रॉस करने में काफ़ी लोग को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज हम लोग रोड पे आए हुए हैं और रोड पे अभी काफ़ी कम गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो मैं इससे आपको प्रैक्टिकली करके बस दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कम गाड़ियों को ही फेस करना है, मैंने हर चीज़ बता रखा है, लेकिन जब आप अच्छे से जब इसमें रोड क्रॉस करने लगोगे तो फिर देन धीरे धीरे आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा, जो अभी तो लाइट ट्रैफिक है काफ़ी, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ हैं, तो इसमें हम लोग कैसे हम लोग करेंगे और किस किस टाइप की आप लोग गलतियाँ करते हैं, ये मैं अभी आपको दिखाने का काम करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग दो तरह से रोड क्रॉस कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, आप जब आ रहे हो सामने से, ठीक है, आप जब सामने से आ रहे हो, ये आप देख रहे हो तीन, जो ये जो दो वाइट लाइन है जो इसी रोड में डिवाइड कर रही है, इसमें तीन रोड बन गई है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, है ना। तो सबसे जो सेफ साइड होता है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है। मैंने आपको बताया है कि सबसे सेफ साइड जो होता है ये होता है, ये वाला ब्लॉक। इसमें अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो इसमें आप चलो, ठीक है। और जहाँ पर वन वे रोड है, जहाँ पर बताते हो कि बिल्कुल इतनी ही पतली सिर्फ रोड ही है, तो उसमें कहाँ चले, उसमें भी आपको लेफ्ट ही चलना है। कहाँ नहीं चलना है, बस लेफ्ट याद रखना है, लेफ्ट ही चलना है। ठीक है, अब पहली चीज़ की आपको पहला टर्निंग मैं कैसे करके दिखाऊंगा ये आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बताऊंगा कि आप गलती क्या करते हो। देखो, आप करते क्या हो, मान लो अभी आप यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पहुँच गए, आप यहाँ रोड क्रॉस करना चाह रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा इसे आगे बढ़ाते हो और फिर यहाँ रुक जाते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि गाड़ी ऐसे देखे, अब नर्वस हो गए, वहाँ पर गाड़ी आ रही है और नर्वस हो गए कि अब कैसे करना है, बहुत देर तक रुके रहते हैं, गाड़ी मतलब दूर भी है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा बताता हूँ। जैसे अभी आप सामने देखिए, गाड़ी अभी आ रही है, ठीक है, तो उस गाड़ी के आने से पहले अगर आपको भरोसा है कि मैं ये डिवाइडर के पास पहुँच जाऊँगी या जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है कि नहीं उस गाड़ी को जाने दें, तो बिल्कुल आप यहाँ पर खड़ा रहेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया और बीच में ऐसे लगा दिया। ऐसे बीच में लगाएंगे तो सामने वाली गाड़ियाँ फिर आके यहीं पर रुक जाएंगी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से जो स्टार्ट किया डायरेक्ट, वो डिवाइडर का जो बीच का जो दिख रहा है ना, वो डिवाइडर का जो बीच का दिख रहा है गैप, वहाँ पर पहुँचना है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि डायरेक्ट यहाँ से बढ़ाया और डायरेक्ट सेकंड रोड पे निकल गया, मतलब उस वाली रोड पे हम लोग पहुँच गए, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आते रहेगी, है ना। तो अभी क्या करना है, अभी मैं देख लूँगा, अभी मैं क्रॉस नहीं कर सकता, उस गाड़ी को पहले जाने दूँ। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपना देखना कि गाड़ी को खाली होने देना और कॉन्फिडेंस हो उससे पहले मैं आगे चल सकती हूँ तो जाइएगा, ठीक है। अब मुझे भरोसा है गाड़ी खाली हो गई, अब क्या करना है, आपको धीरे धीरे बढ़ते रहना है, बीच में नहीं रोकना है, पहले बता दिया हूँ, बीच में नहीं रोकना है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ना है। और ये देखिए, ये जो दोनों वाइट लाइन होती है, ये आपको हर रोड पे दिखेगी, जहाँ डिवाइडर होती है ये बनी रहेगी। ये दोनों वाइट लाइन इसीलिए बनाई जाती है ताकि जब रोड आप क्रॉस करें तो यहाँ पर गाड़ी को रोक सकें, ठीक है। अब जैसे पीछे से गाड़ी आएंगी, हमें कोई डर नहीं, अब यहाँ पर हम लोग खड़े रखेंगे गाड़ी को, और उसके बाद आप देखेंगे उधर की गाड़ियाँ, ठीक है। अब उधर की गाड़ियाँ देखेंगे, और इसमें क्या करना है, हम लोग को सीधे नहीं जाना है। बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हो, सीधे चले जाते हो, ठीक है, सीधे हमें नहीं जाना है, हमें थोड़ा थोड़ा राउंड लगाते रहना है, मतलब ताकि हम लोग लास्ट बॉक्स में पहुँचते वहाँ सीधे हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे, मैं अपना देख लेता हूँ, अभी गाड़ी आ रही है तो मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ। तो अब देखिए, थोड़ा थोड़ा हैंडल को हल्का सा मोड़े रखिए, और पूरे रोड को कवर करना है, ध्यान रहे, पूरे रोड को कवर करना है। चलिए, अब मैं धीरे धीरे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, और गाड़ी देखिए अभी सामने से आ रही है, ये सीधी हो गई, ठीक है। अब देखिए, इसमें दूसरी चीज़, जब आप वहाँ से स्टार्ट किए, मान लीजिए आप बहुत स्लो बढ़ रहे हो आगे, ठीक है, एक टाइम पे आपके पास गाड़ी आकर पहुँच गई, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। जो वो गाड़ी पहुँच रही है या आपके पास सामने आ गई है, उसमें भी कोई बंदे चला रहे हैं, उसमें भी कोई आदमी ही चला रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है, वो आपको देख रहा है कि आप बिल्कुल बिगनर हो, इसीलिए आप धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रहे हो, वो समझ रहा है, वो आकर खुद रोक देगा। लेकिन ऐसी हड़बड़ी नहीं करना है कि वो गाड़ी आ रहा है सामने से, आप मुझे और स्पीड करना है, उस स्पीड में आप गिर जाओगे,
या तो आगे सीधे जाके कहीं टक्कर मार दोगे, कुछ नहीं, हड़बड़ी सबसे पहले नहीं करना है। और इसीलिए मैंने अभी जिस रोड पे अभी मैं आया हूँ वहाँ पर बहुत अभी कम गाड़ियाँ चल रही हैं इस टाइम पे, ठीक है। वही अभी थोड़ा सा टाइम, जब अभी एक दो घंटे बाद ऑफिस का टाइम होगा तो ये पूरा रोड जो है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक से भरा होता है, ठीक है। अभी तो बहुत कम गाड़ियाँ हैं, थोड़ी सी और जब टाइम होगी तो लगातार इसमें गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो मैं उसमें भी आपको करके बताऊंगा, मैं खुद से प्रैक्टिकली। अभी तो मैं आपको बताया हूँ रोड कैसे क्रॉस करने, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि मिरर में कैसे देखकर, मिरर में आपको देखना है, मान लो आप थर्ड लेन में हो, ठीक है, आपको आगे जाकर टर्न करना है, ठीक है, आपको आगे जाकर टर्न करना है और थर्ड लेन में हो और मिरर देखना है। मिरर देखने के बाद आपको देख लेना है कि गाड़ी अभी दूर है, तो देखिए जो गाड़ी दूर रहेगी वो गाड़ी छोटी छोटी दिखेंगी, ठीक है, मिरर का यही कॉन्सेप्ट है। जो गाड़ियाँ दूर होंगी वो गाड़ियाँ छोटी छोटी दिखेंगी, जो गाड़ियाँ जैसे जैसे आपके पास आएंगी वो बड़ी होने लगेंगी, ठीक है, समझ गए। तो यही चीज़ हम लोग को ध्यान देना है, और हम लोग को जब टर्न करेंगे आगे जाकर तो धीरे धीरे बढ़कर और मिरर में एक बार देख लिया, ज़्यादा देर तक मिरर नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि बस मिरर देखते रहे उधर जाके पेड़ में जाके टकरा दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बढ़ते रहना है आराम से, और उसके बाद चलते चलते आराम से मिरर देख के और इंडिकेटर लगा लेंगे। मैंने बताया है खाली रोड पे पहले इंडिकेटर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, हर चीज़ बताया रखा हूँ तभी अभी रोड क्रॉस करवा रहा हूँ, ठीक है। और रोड क्रॉस करने में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस टाइप की रोड में, तो वो ध्यान देंगे कि ऐसे में कैसे, पहला जो मैंने आपको स्टेप बताया ऐसे कर सकते हो। दूसरा स्टेप होगा इंडिकेटर लगा के मिरर देख के और धीरे धीरे आप राइट साइड आने लगे पहले से ही, क्योंकि आपको पता है कि अगले टर्निंग पे मुझे टर्न करना है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा फॉगर आ रहा है तो थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ ताकि वो पूरे वो छींटे मारेगा वो पूरे रोड पे, वो धूल के चलते जो पीछे आपको ट्रक दिख रही होगी वो फॉगर अभी काफ़ी इधर मारेगा, तो इसको थोड़ा जाने देते हैं फिर आगे कंटिन्यू मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है ताकि धूल ना उड़े, आप देख रहे हो है ना, अभी बारिश का टाइम है बट आज बारिश नहीं हुई है, काफ़ी धूप है इधर, तो इसके कारण थोड़ा सा वो फॉगर चलवाया जाता है ताकि धूल ये सब ना उड़े, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर आपको पहले ही लगा लेना है, मतलब लगभग कितने मीटर पहले, लगभग आपको 100 मीटर पहले, समझ रहे हो, 100 मीटर पहले इंडिकेटर लगा कर मिरर में एक बार देख लेना, ये गाड़ियाँ खाली हो गई, अगर खाली हो गई तो 100 मीटर पहले ही धीरे धीरे आपको पूरा राइट आ जाना है, क्योंकि आगे जाकर आपको पता है कि मुझे राइट टर्न लेना है, ठीक है, आगे पता है कि मुझे राइट टर्न लेना है, तो धीरे धीरे आप 100 मीटर पहले ही राइट आने लगे और राइट ही चलना है, इंडिकेटर लगाए रखना है। और जब टर्निंग के पास पहुंच जाएंगे तो ये जो दोनों वाइट लाइन है, जो गैप अभी मैंने बताया है, वहीं पर जाके रुक जाना है, सेम फिर वही कॉन्सेप्ट टर्न करना है, यू टर्न जो मैंने बताया है, रोड के जितने पास से, डिवाइडर के जितने पास से आराम से यू टर्न करके फिर सीधे निकल जाना है, ठीक है। ये दो तरह की रोड क्रॉसिंग हमारी होती है, एक तो सीधे सीधे रुक कर, जिन लोगों को अभी ज़्यादा डर लग रहा है कि मिरर देखकर इंडिकेटर लगाकर मैं नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ वो ट्राई ना करें, आराम से साइड में रोकें, देन अभी जो मैं फर्स्ट में आपको बताया हूँ वैसे गाड़ी को देखना है, धीरे धीरे बीच में पहुँच के रुक जाना है, फिर दूसरी बार डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में, देखिए अभी मैं आपको गलती बता रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा गलत मतलब ये अपोजिट में मार रहा हूँ, उधर से नहीं मारना चाहिए, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ करते क्या है लोग गलतियाँ, जैसे अभी हुई यहाँ पर, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सीधे वहाँ दूसरी रोड में पहुँच जाते हैं, यहाँ से जैसे आपने स्टार्ट किया, यहाँ खाली देख लिया, अगले रोड में नहीं देखा, और ऐसे करके अब आपको इधर जो है गाड़ियाँ नहीं दिख रही, सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है वो तो नहीं आपने देखा, डायरेक्ट सिर्फ वहाँ का गाड़ियाँ देखा और डायरेक्ट दोनों रोड क्रॉस कर दिया, इसमें क्या होगा, बहुत एक्सीडेंट का बहुत चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है कि गाड़ी आगे टक्कर मार देगी, भाई वो भी इंसान चला रहा है, कितनी स्पीड को वो कंट्रोल कर पाएगा, देख रहा है वो आपको, लेकिन आप अचानक से क्रॉस कर दोगे तब फिर वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और एक्सीडेंट इसी के चलते होती है, तो वो एक्सपर्ट है, आप धीरे धीरे उसको, अगर हाँ दूर से ही आपको देख लिया कि आप धीरे धीरे बीच में आ रहे हो, खुद स्लो हो जाएगा भाई, खुद स्लो हो जाएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही हमारी एक रोड क्रॉसिंग की वीडियो थी, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और समझ गए होंगे आप लोग। जिन लोगों को डाउट है इस रोड के वीडियो में, जैसे क्रॉसिंग में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि किस टाइप की आपको इसमें प्रॉब्लम
हुई और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई जो मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग में आता हूँ और फिर बताता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।